फैराडेज लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, शीट नंबर चेक कर लेना कौन सी है, 70, 80, शीट नंबर 80। इस शीट में एक चीज़ देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है, यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करना, बॉक्स में डाल लो फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बाई डी टी, क्योंकि अगर एक लूप है, एक लूप में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर नंबर ऑफ लूप्स उसमें एन है तो रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन टाइम। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला वैसे ही क्लियर है आपको। और करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है, रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ एरिया, एरिया आप निकाल लेना, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी आपको पता है, विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, ये लूप है और ये लूप नॉर्मल टू द फील्ड है, ये नॉर्मल टू द फील्ड है, ये फील्ड है और ये प्लेन नॉर्मल है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल किसका किसका होता है, बी और एरिया का। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है इस कॉइल के, तो एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है, तो बी में और एरिया में एंगल क्या बना, जीरो। क्लियर है? तो अगर लूप ने एंगल बी के साथ बनाया 90, परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर भी 90 होता है, तो बी और एरिया में एंगल जीरो, तभी तो उसने किया बी ए कॉस जीरो। क्लियर है यहां तक? तो अब वो कह रहे हैं 30 डिग्री टू द फील्ड, ये लूप है, कह रहे मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पे है, ये एंगल लूप के साथ कितना है, 30 है, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा, एरिया वेक्टर टोटल 90 पे होता है, तो अगर ये 30 है तो बचा हुआ कितना, 60। तो इसलिए आपने चेक किया, जब वो फ्लक्स की प्रॉब्लम करता है आपको बी और लूप का एंगल देता है, पर आपको बी और लूप का एंगल चाहिए ही नहीं, आपको तो बी और एरिया का चाहिए, सबसे पहले एंगल 90 में से क्या करता है, माइनस, फिर बी ए कॉस 60। अब जैसे मान लो आखिरी पार्ट है पैरेलल टू द फील्ड, मतलब ये लूप है और ये फील्ड है, पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर क्या एंगल बनाएगा बी के साथ, 90, तो एरिया वेक्टर 90, बी ए कॉस 90। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसकी प्रॉब्लम को आपने सोचना है। जैसे स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ गैप बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड, कोई वायर का पीस है उसको ना खींच लिया गया मैग्नेटिक फील्ड में से 0.5 सेकंड में, मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी, फ्लक्स की वैल्यू पता है, इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, टाइम आपको पता है, फ्लक्स आपको पता है, तो करना क्या है, ये आपका इतना फ्लक्स था लेकिन बाद में फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि आपने तो खींच लिया उस मैग्नेट को या उस कॉइल को, सॉरी, तो एक ही फ्लक्स है इसमें, इतने टाइम में आंसर इतने वोल्ट ईएमएफ है, डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये रहा, कैलकुलेट इंड्यूस करंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, रेजिस्टेंस आपको पता है, जब भी आपको फाई पता हो सबसे पहले डी फाई बाई डी टी करके क्या निकलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ, टाइम को 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, 78 वोल्ट, इस 78 वोल्ट को 5 ओम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, करंट, करंट आ गया। क्लियर है? जैसे अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड गिवन, तो एरिया पता लग जाएगा अगर साइड गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, एक काम करते हैं, ये पैनल देख रहे हो पूरे का पूरा, ये मान लो ईस्ट वेस्ट प्लेन है, ईस्ट वेस्ट प्लेन है, ठीक हो गया, कॉइल को ईस्ट वेस्ट में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ ईस्ट यहां कहीं होगा, ये ईस्ट है तो 45 डिग्री एंगल बनेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, 45, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ने लूप के साथ 45 एंगल बनाया, तो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल 45 बनाया, तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 45। ठीक है? यहां तक सारी गेम ही एंगल की है एरिया वेक्टर के साथ। अब वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, और कितनी देर में, 0.70 सेकेंड में, पहले इतना फ्लक्स आया था, ये फ्लक्स आया बी ए कॉस 45 से, फाइनल फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम आपको गिवन है, यहां से क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो ये आप एक बार